24 घंटे के भीतर 11,858 लोगों की जांच की गई, जिसमें 3,519 लोग संक्रमित पाए गए। टेस्टिंग में कमी के बाद भी 3,500 का आंकड़ा पार होना जिले के लिए चिंता का विषय है। जिले में शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक फुल लॉकडाउन रहेगा। किसी भी व्यक्ति को अति आवश्यकता के बिना बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। मनपा आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मॉल, सिनेमाघर, होटल, बार, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, नाट्यगृह, बाजार 30 अप्रैल तक बंद रहेगी। सार्वजनिक यातायात व्यवस्था शर्तों के आधार पर जारी रहेगी। ई गेम कंपनी में पैसा निवेश करके भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर लोगों को ठगने वाले दो आरोपी के खिलाफ क्राइम ब्रांच की ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। पाचपावली के ठक्कर ग्राम परिसर में गैंग वॉर के चलते रविवार रात तनाव का माहौल बन गया। विवाद के बाद हजारे गैंग ने परिसर में जमकर उत्पात मचाया। मनपा के अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते ने धंतोली जोन अंतर्गत पूरा साप्ताहिक बाजार ही हटा दिया। इसी तरह दस्ते ने यहां से कुल 18 अतिक्रमण साफ कर दिए। सोमवार को अलग अलग 4 जोन में दस्तक दी गई, जिसमें कुल 104 अतिक्रमणों का सफाया किया गया। विदर्भ में पुरातन काल के वन्य जीवों के मृग चिन्हों के जतन व संवर्धन के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश पालक मंत्री नितिन राउत ने दिया। राज्य के ऊर्जा मंत्री व जिला पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर है। कोरोना काल में विभाग ने उत्तम कार्य किया है, जिसके चलते एक भी बिजली कर्मी वैक्सीन से वंचित नहीं रहना चाहिए। मनपा की ओर से 10 जोन में कुल 51 वैक्सीन सेंटर शुरू करने की तैयारी की गई है। प्राथमिक स्तर पर 26 केंद्रों पर नियोजित कर्मचारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर तथा अन्य सेवा सुविधाओं की व्यवस्था पूरी की गई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए पुनः 30 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की, जिसका नागपुर विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कड़ा विरोध किया।